बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा उससे एक आपको आइडिया लग गया होगा ये वीडियो किस चीज पे रहने वाली है। तो भाई फाइनली आज हम अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने वाले हैं। बाकी भाई आज चौथी गाड़ी आ रही है अपनी फैमिली के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा खुशी है भाई। और सीरियसली बोलूं दिल से भाई, ये गाड़ी एक ऐसी है ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, हर एक बंदे के दिलों पे राज कर रही है भाई आज की रेट में। मैं आपको हिंट इतना सस्पेंस में नहीं रखूंगा, चलो एक हिंट दे देता हूँ छोटा सा। भाई मारुति की गाड़ी है ये। बाकी देखो कौन सा कलर रहने वाला है, कौन सा वेरिएंट रहने वाला है। और भाई सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि हमने इसमें कुछ ज्यादा ही मॉडिफिकेशन करा दी है भाई। मतलब ये लगा लो गाड़ी लेने से पहले ही ना मोटर खर्चा कर दिया है भाई गाड़ी के ऊपर, और आप देख के ना बोल नहीं सकते कि कौन सा वेरिएंट है। तो इसलिए कह रहा हूँ प्लीज वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना, और भाई ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना, उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाना जो भी लोग भाई इस गाड़ी को लेना चाह रहे हैं, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। गाड़ी कितने की पड़ी, कौन कौन से कलर इसमें अवेलेबल्स है, कहाँ से लेनी चाहिए, और मतलब जो भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी भाई एक चीज बोलूंगा, अभी बाहर का मौसम देखो आप, अभी क्या है 3 बज रहे हैं और दोपहर में भी बारिश का मौसम हो गया है। पता नहीं ऊपर वाला हम पे क्या मेहरबान हो रखा है कि नई गाड़ी लेते के साथ ही भाई मतलब गंदे होने के चांसेस तो है ही, बट बारिश बताते हैं कि भाई अच्छा होता है। मतलब अपनी गाड़ी जो है ना बारिश में चलेगी पहले दिन ही, तो उसके लिए भाई कहते हैं कि बंदे अच्छा ही होता है। तो देखते हैं भाई, ये हो सकता है ऊपर वाले की गुड विशेज होंगी। तो अब चलते हैं, गाड़ी हम ले रहे हैं, ये बता देता हूँ मैं आपको, मारुति का जो भाई शोरूम है वो अपना लाजपत नगर में, यहाँ से हम अपनी गाड़ी ले रहे हैं। और एक चीज और बता दूं भाई, हम ले रहे हैं नेक्सा के शोरूम से। अब एक आप उससे आइडिया लगा लेना भाई कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भाई कौन सी गाड़ी ले रहे हैं हम, ठीक है। और गाइज मैं आपको मिलवा देता हूँ भाई अपनी फैमिली से, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है वो ऑलरेडी जा चुका है नेक्सा के शोरूम में। तो भाई अभी जो हम जा रहे हैं साथ में, तो भाई ये हमारा छोटा भाई है, हेलो करते भाई आमिर। और बाकी भाई पीछे मम्मी बैठी है, बीच में बहन है, और बाकी वो मेरे भांजा और भांजी है। तो गाइज ये थे हमारी छोटी सी फैमिली भाई, अभी थोड़ी और फैमिली बची है, पापा है उसमें, भाई है, भाभी है, तो वो सारे के सारे पहुंच चुके हैं शोरूम में। तो अभी वहीं पे चल रहे हैं, बाकी उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको वहाँ पहुंच के। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो भाई, ये ब्लैक वाली बिल्डिंग, ये है भाई नेक्सा का शोरूम, ठीक है। और ये लाजपत नगर में ही पड़ता है ये रहा भाई, ठीक है। आपको चाबी दे दे, अपना आप लगा लेगा। कौन भाई? ये लगा लेगा अपना। तो क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका? बारिश हो रही है, बारिश। चलो आओ भाई चलो, अब आपको दिखाता हूँ भाई कौन सी गाड़ी रहने वाली है। ओहो ओके। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ, अभी भाई हम नेक्सा के शोरूम में ही बैठे हुए हैं। तो गाइस अभी जो अपनी गाड़ी है ना पूरी रेडी हो चुकी है, बाकी बगल में भाई पापा बैठे हुए हैं, पापा हेलो कर दो। तो भाई अभी क्या है कि भाई ने और पापा ने जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन थे वो सारे हो गए ना, फाइल फाइल साइन हो गया ना, सब कुछ साइन हो गया है। गाड़ी कौन ले रहा है अभी से भाई वो भी सस्पेंस नहीं रखते भाई, वो ले रहा है मेरा बड़ा भाई। और भाई बहुत ज़्यादा खुशी है, सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा प्राउड हूँ मैं, बस मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कोई भी गाड़ी अगर आप ले रहे हो ना, ये वाली कोई भी ले रहे हो आप, तो कोशिश क्या करो थोड़ा खैच के रेट लिया करो। पापा इन्होंने हमें डिस्काउंट देने के लिए तो मना ही कर दिया था, डिस्काउंट मैंने कर दिया, लेकिन इन्होंने बोला आज इन्होंने कि मैं 5,000 की एसेसरी दे रहा था, 5,000 + 10 कर दिए उन्होंने, अच्छा 15,000 रुपये की एसेसरी दे लेते फ्री में हमें, बट वो अब 10,000 की कर दी है, 15,000 रुपए की कर दी है भाई, ये लो यार मतलब 10,000 को बढ़ा दिए हैं। तो भाई थोड़ा सा खैच के रेट लेना पड़ता है, इस चीज को भी हमने मना कर दिया, वो 15,000 का चेक हमारा वापसी आएगा। अच्छा, और हम क्रोल वर्क से एसेसरी कराएंगे अपने, मतलब हमने क्या है पूरी पेमेंट कर दी थी। अब यहाँ पर क्या है मारुति में आप जानते हो भाई, फुल जो है ना डिस्काउंट तो मिलता नहीं है, MRP पे मिलते हैं सारे प्रोडक्ट वही MGP के, तो ये प्रॉब्लम थी, तो जिस वजह से यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, 15,000 का चेक हमें कैंसिल मिल जाएगा, कोई नहीं हो तो हो जाएगा। तो बाकी फिलहाल भाई अब थोड़ी देर में केक सेरेमनी और वो सारी चीजें होने वाली है, और अपने बड़े भाई से मिलाता हूँ भाई जिसकी गाड़ी है और उसने क्यों ली, बहुत सारे डाउट होंगे भाई, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बाकी अपने भाई से मिला देता हूँ। तो भाई ये है हमारे बड़े भाई जिन्होंने गाड़ी ली है, तो भाई से पूछते हैं भाई कैसा लग रहा है अभी? भाई बहुत खुशी की बात है, बाकी इतनी भी खुशी नहीं क्योंकि पहले भी हम हर साल ही गाड़ी नई नई ले ही रहे हैं 4-5 साल से। हाँ ये तो है। हाँ तो बस ठीक है, अपनी होती है तो मन था ये लेने का,
ले लेते हैं अपनी गाड़ी होनी चाहिए और सोचा कि सही टाइम है लेने का तो ले लेते हैं, बाकी आगे भी ले सकते थे। हमारी जो यंगस्टर्स की चॉइस होती है वो अलग होती है, लेकिन मैंने अपने पापा से पूछा कि गाड़ी कौन सी ठीक रहेगी, तो उन्होंने समझाया गाड़ियाँ बहुत सारी होती हैं सेगमेंट में, पर कौन सी रिलायबल होती है, कौन सी का रिसेल वैल्यू अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है, वो मेरे पापा ने मुझे गाइड किया, काफ़ी लोगों से बात की। वरना पहले मैं दूसरी गाड़ी लेता था, टाटा नेक्सोन, क्योंकि उसका जो फेसलिफ्ट था वो बहुत फ्यूचरिस्टिक लुक दे रहा था, लेकिन पापा ने कहा लुक्स पे मत जाओ, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे जाओ, माइलेज पे जाओ, रिसेल वैल्यू पे जाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसी रेट में मेरे को ये वाली गाड़ी मिल रही है। गाइज अभी जो ये आपको भाई ने बताया है ना, तो गाइज मैं आपको मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, भाई इसके ऊपर ना एक मैं प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा कि भाई ने यही गाड़ी क्यों ली है और इसके पीछे का क्या रीजन था और मार्केट में भाई ने कौन कौन सी गाड़ी रिसर्च की थी तब जाके भाई ने यही सिलेक्ट क्यों की, तो भाई उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। तो गाइज इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी होगी। तो अभी फिलहाल जो है अपनी गाड़ी की डिलीवरी होने वाली है मुश्किल से थोड़ी देर और। गाड़ी का नाम क्या है, कौन सी गाड़ी है भाई, वो सस्पेंस हो गया बहुत देर। अब आपको जो नेक्स्ट क्लिप दिखेगी ना भाई, वो आपको गाड़ी की दिखेगी जो सेरेमनी की रहेगी। हमें रेडी हो सारे के सारे? यस बॉस। है yes, अरे भाई कहाँ जा रहा है। गाइस ये खड़ी अपनी गाड़ी और भाई सेरेमनी के लिए रेडी है। यहाँ पर आ चुका है केक, तो भाई पहले सेरेमनी होगी उसके बाद केक कटेगा। Congratulations to all of you and भाई congratulations भाई ये है हमारा भतीजा, क्या नाम है, अशर। तो भाई अभी है ना 3-4 बार ऐसी होगी सेरेमनी, बार बार कपड़ा हटाया जाएगा, बार बार वीडियो बनाई जाएगी, उसके बाद केक कटेगा। भाई इन्होंने जो है ना गाड़ी पे एक भी फूल नहीं लगाया है, बस थोड़ा सा उस वजह से ना ऐसा लग रहा है गाड़ी पुरानी सी। अभी भाई ये जो है ना अपनी ग्रैंड विटारा का डेल्टा वेरिएंट है, सिग्मा जो है अपना बेस वेरिएंट आता है, बेस से ऊपर वाला डेल्टा है। अब आप में से बहुत सारे लोग भाई बोलेंगे कि भाई इसमें अलॉय कहाँ से नजर आ रहे हैं, तो भाई रुक जाओ सबर करो, सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल ये दोबारा लग रहा है, अब दोबारा वीडियो बनाएंगे भाई। चलो भाई केक कटेगा, सब में बटेगा। आ जाओ भाई, आ जाओ सब, आ जाओ आगे। ये लो भाई केक कट गया है। मम्मी ये तो बोल दो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी तो फैमिली है। हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो। कॉन्ग्रेट्स। चम्मच मिली। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। ये पापा के लिए अशु मूवी था। हाँ भाई पैसे ले लो, चाबी दे दो। पैसे ले लो, चाबी दे दो भाई। भाई पहले पापा के हाथ में दो। थैंक यू। चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोल दो यार भाई। थैंक यू। तो ये हमारी गाड़ी की चाबी है, ये देख लो भाई, ये रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आती है, तो इसमें बस अपना भाई गाड़ी का लॉक अनलॉक के साथ फीचर आता है, और बहुत टाइम से मारुति जो है ना इसी टाइप की चाबी दे रही है भाई। लो ये भी कम थोड़ी ना है बहन हमारी है? बस बस बस
अच्छा तेरी भाई अपने घर में ना एक से एक बड़े बनने का बैठे हैं तो भाई ये मतलब खुशी है यार, और कुछ नहीं है भाई, जो बयान नहीं कर सकते वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसे भी दिखाओ, इसे भी, इसे भी। नहीं मना कर रहा है भाई, वो मना कर रहा है। नहीं गाड़ी की चाबी तो मेरे को दे दी है, बाकी जो इससे बड़ी वाली गाड़ी की चाबी है वो दे रहे हैं। नकली है, असली तो हमें दे दी। ये इसके अंदर कप्स होते हैं। अच्छा, मतलब ये गिफ्ट है नेक्सा की तरफ से। चलो भाई इसको खोल के नहीं दिखा सकते, पैक है और बाकी सारी चीजें हो गई इसमें, डन। चलो जी ठीक है। आपने गाड़ी दे दी, बहुत थैंक यू यार। तो भाई फाइनली गाड़ी मिल चुकी है, अब अपने को यहाँ से निकल रहे हैं, अब सीधा टैंक फुल कराएंगे, फिर सीधा मिलेंगे घर पे। अभी फिलहाल मुश्किल से यहाँ पर हमें कितना टाइम हो गया, आधा पौना घंटा लग गया होगा, तो करीबन भाई वही है, मोटा मोटा एक घंटा लगा लो, एक घंटे में सब कुछ हो गया। और वो सब कराया भैया ने हमारे मारुति नेक्सा शोरूम में। ये भाई है हमारे, ये कहाँ पे पड़ता है भैया? ये लाजपत नगर पड़ता है भैया, सिंगला लिंक एजेंसी है लाजपत नगर के अंदर, नियर बाय विनोबापुरी मेट्रो स्टेशन जस्ट सामने। भाई लाजपत नगर में पड़ता है, अगर किसी को कोई भी क्वायरी है ना तो भैया से आके मिल सकता है, यहाँ पर बहुत अच्छे इंसान है भाई, बहुत अच्छे दिल के हैं। तो बाकी फिलहाल भाई अब चलते हैं। गाइस फाइनली गाड़ी जा चुकी है, भाई हम भी अपनी स्विफ्ट को स्टार्ट करते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। बाकी भाई गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं, कितने रुपए की पड़ेगी, बहुत सारे डाउट्स होंगे। और भाई गाड़ी में अलॉय कितने के पड़े, आपने जो अपना शोरूम से डलवाए हैं, तो मैंने आपको बताया था भाई मोटा खर्चा भाई यही हुआ है जो भी है। बाकी आपको गाड़ी की जो है ना डिटेल्स है मैं आपको घर पे जाके दिखाता हूँ। अभी फिलहाल अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और घर की तरफ निकलते हैं, भाई जो है पेट्रोल डलवा के घर की तरफ ही आएगा। तो गाइस फाइनली हम अपने एरिया में पहुंच चुके हैं, भाई घर पे भी पहुंच ही गए एक तरीके से, बाकी गाड़ी भी जो है ना पीछे पीछे ही आ रही है, अब उसकी सेवल करेंगे यार। भाई गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है पार्किंग में, बाकी ये सेवल का पानी भी आ गया है। भाई अपनी दूसरी गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है, अपनी अल्टो स्विफ्ट अंदर कर दी है। गाड़ी 10 साल, हाँ। 2 साल से ज्यादा थोड़ी ना रखते हैं मैडम। ये अशु मैं क्यों करती हूं, करते कोई बात नहीं, जब मुझे पानी आएगा तो नहीं कार बन जाएगा। अरे ले लिया नेग? नहीं अभी लेऊंगी। अच्छा नेग नहीं लिया ना मम्मी, छोटे पेटीएम ले लेती हो? नहीं नहीं मुझे नगद चाहिए, नगद चाहिए। अरे लो भाई पैसे ले लो। नहीं 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 मैं नहीं लूंगी ऐसा, मैं तो इन चीजों का बहुत मामले में बहुत। कितने कितने चाहिए? कितने बोले गाड़ी बैठ के? कितने बोले? हाँ कितने? 1100 रुपए और क्या, पानी डालने के बस। हाँ ये तो बताओ गाड़ी कैसी लगी, तुम इतनी दूर से चल के आई होगी? बढ़िया लगी, कंफर्टेबल थी? अच्छी। अच्छा गुड़े बढ़िया। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक हो भैया तुझे, तैने गाड़ी ली है। अच्छा मैंने ली है, चलो कोई नहीं, घर में ही तो आई है गाड़ी, तो कोई भी ले। तेरे को कैसी लगी गाड़ी बहन? बहुत अच्छी है गाड़ी। अरे 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 ये कैसे खड़े हो गए बता रही है। अच्छा सच सच बताइए तेरे को गाड़ी कैसी लगी, कंफर्टेबल थी गाड़ी में बैठने के बाद, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, पापा इनकी खुशी को बनाए रखे, माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी थी। चलो भाई बहन की तरफ से मम्मी का नेक, भाई मम्मी का नेक देख लो, कितने 1100 रुपए, 100 रुपए कट गए तुम्हारे मम्मी। तो भाई यहाँ हो रही है हमारी गाड़ी पार्क, पीछे खड़ी है हाई राइडर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैसी लगी चलाने में पापा? बहुत बढ़िया, तू भी रोड मारिया भाई, बहुत बढ़िया लगी। हाँ चला के देख कर। अच्छा चलो डेल्टा वेरिएंट है वैसे है, भाई देख लो अंदर से। अब जेटा बन गई है, अब जेटा बन गई है, जेटा बन गई।
ये लो जी भाई, डेल्टा से जेटा बना दिया है। अभी मैं आपको इसका ना एक्सटीरियर लुक दिखा देता हूँ मोटा मोटा, इसके लिए भाई प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो गाइज ये देखो, पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ भाई, ये हाई राइडर खड़ी है। हाई राइडर का आगे का लुक ऐसा देखने को मिलता है टोयोटा की। ये भाई मतलब टॉप से नीचे वाला वेरियंट है वो। ये ग्रैंड विटारा का लुक है, इसमें भाई ये चेंजिंग मिलती है। इसमें यहाँ पर DRLs देखने को मिलते हैं भाई, यहाँ पर एस टाइप के। अब बाकी उसमें थोड़ी सी चेंजिंग मिलेगी देखने को। देखो आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ भाई, ये ग्रैंड विटारा के ना टॉप मॉडल तक में भाई मारुति वाले ये वाले अलॉय व्हील्स जो है ना भाई ऑफर करते हैं, टॉप मॉडल तक में आपको यही देखने को मिलेंगे। बाकी भाई टोयोटा हाई राइडर में देखो भाई, सब कुछ एक ही है यार, कुछ भी नहीं है, बस अपना ब्रांड चेंज कर दिया है। इसके देख लो भाई, इसके कुछ डायमंड कट में अलॉय व्हील्स आते हैं और उसके थोड़े से सिंपल फॉर्म में आते हैं। तो देख लो भाई ये डिफरेंस है, और बाकी तो कुछ खास डिफरेंस है नहीं। बाकी भाई ये हाइब्रिड में है जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी भाई ये भी हाइब्रिड में, ये स्मार्ट हाइब्रिड में आती है। ये देखो हाई राइडर का रियर लुक देख लो एक बार आप, और इसके देख लो ये टेल लैम्प जो है, इसके कनेक्टेड टेल लैम्प्स कुछ ऐसे देखने को लगते हैं। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। अब आप में से बहुत सारे भाई बोलोगे कि भाई डेल्टा वेरिएंट में अलॉय व्हील्स तो आते नहीं है, तो भाई मैं आपको बता दूं, ये मारुति के ओरिजिनल जेन्युइन ही हमने अपना अलॉय व्हील्स डलवाए हैं भाई इसमें, आप ये देख सकते हो। और ये इसकी कॉस्ट क्या पड़ी है भाई? इसकी 46,500 रुपए है। जो डिस्काउंट दिया उन्होंने कुछ, कोई डिस्काउंट नहीं, 48,000 था नहीं, 46,500 मतलब 46,500 बेसिकली। ये जो अलॉय व्हील्स हैं 46,500 रुपए के पड़े हैं मारुति से जेन्युइन, और 17 इंच के टायर्स हैं अपोलो के, जो अपना कंपनी से ही आते हैं, वही अलॉय व्हील्स में हमने डलवा दिए 17 इंच के, मतलब प्रोफाइल बढ़वाई नहीं है। और बेसिकली और कुछ हमने लगवाया नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बाकी वही है जो भाई अपना कंपनी से आता है। तो बेसिकली इसके अंदर हमें जो डिस्काउंट मिला भाई, कितने का मिला है पहले? डिस्काउंट तो जीरो है, जीरो निल, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं, गाड़ी में कोई डिस्काउंट नहीं होता। तो भाई इसमें डिस्काउंट निल है। अब बाकी बात करते हैं भाई इसके अमाउंट की, कितने रुपए की पड़ी भाई ये ऑन रोड अपने को? बेसिक किट होती है वो हमने नहीं ली, वो शायद 25-30 हज़ार की थी, और एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली हमने। एक्सटेंडेड वारंटी हम जब 2 साल खत्म होंगे तब भी करा सकते हैं, तो अभी क्यों देना। तो 40-50 हज़ार रुपए यहाँ बच गए थे, तो ये पड़ी 13,90,000 की। 13,90,000 की हाँ। और जैसे कि पापा बता रहे थे कि मतलब 5-10 हज़ार रुपए की वो एसेसरी दे रहे थे, उसका चेक देंगे। हाँ मतलब क्या है, और क्या है, इस गाड़ी में कैश डिस्काउंट नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा कि सर आप एसेसरी लगवा लो, और वो भी पापा का स्पेशल रिगार्ड करते हुए उन्होंने बोल दिया, बाकी ये भी ऑफर नहीं है उसमें। मतलब 15,000 का वो हमें चेक देंगे। हाँ मतलब अब क्या है, उन्होंने फिर बाद में हमें ऑप्शन दे दिया कि आप क्या कहते हैं एसेसरी लगवा लो, या फिर उसको कैश ले लो, वो बाद में आपके अकाउंट में आएगा। चलो भाई, तो अभी जो है ना, अभी जो स्टार्टिंग में बोल रहे थे 5,000 रुपए की ना आपको हम एसेसरी दे देंगे, तो उसमें ना हम रूफ रिल्स के लिए बारे में सोच रहे थे, वो कुछ 4-4.5 हज़ार की है। बट यार आफ्टर मार्केट भी आप इसको लगवा सकते हो 3M की टेप से, वो चिपकने वाला पेस्टिंग वाला हिसाब किताब होता है, है ना, तो उसमें नट बोल्ट वाला सिस्टम होता नहीं है। तो मैंने कहा यार क्यों ना यार बाहर से लगवा लें, क्यों फालतू में पैसा खराब करने वाली बात है, मारुति वाले डिस्काउंट भी नहीं देते। तो ओवरऑल भाई गाड़ी का कलर ये है, इस कलर का नाम मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसका नाम है ग्रैंड योर ग्रे। तो भाई ऐसा कुछ कलर है, अभी ना आपको वीडियो में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट आप सामने से देखोगे ना भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत प्यारा कलर लगा ये मेरे को। और इस पे जो है ना मट्टी भी अगर बैठेगी ना तो इतनी दिखेगी नहीं। गाइस आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गएंगे, गाड़ी कितने की पड़ी, कौन सा कलर है, और डेल्टा वेरिएंट है ग्रैंड विटारा का, और 2024 में भाई हमने ली है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना अपने भाई को। तो बस भाई यही था इस वीडियो के अंदर, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना, उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो भी भाई अपना ग्रैंड विटारा लेना चाहते हैं, या उनके मन में डाउट होगा कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो सारी चीजें उनकी क्लियर हो जाएगी। अभी दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं भाई, डेल्टा वेरिएंट है, बहुत सारे लोगों का डाउट होगा बेस वेरिएंट लेना चाहिए सिग्मा या डेल्टा लेना चाहिए। सिग्मा से इसमें 2 लाख का फर्क है, और 2 लाख रुपए का। हाँ, मेरा मेन प्रेफरेंस था क्रूज कंट्रोल। अच्छा, क्रूज कंट्रोल मेरे को मिला, अदरवाइज क्रूज कंट्रोल नहीं हो सिग्मा में भी मिलता तो मैं सिग्मा ही लेता। इसका ये कहना है कि इसमें जो है ना, मतलब सिग्मा से अगर आप डेल्टा पे जाते हो तो 2 लाख रुपए का रेट डिफरेंस है, और भाई का प्रेफरेंस था भाई क्रूज कंट्रोल, तो दैट्स वाई भाई 2 लाख रुपए ज्यादा देने पड़े। बट सिग्मा के साथ और अगर आप डेल्टा से कंपेयर करते हो ना भाई, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड हो जाते हैं। तो बाकी वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।